एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज नोकड़। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो दरअसल हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में अच्छे से आराम से धीरे धीरे स्टडी करेंगे। आज का ये सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है। इसमें मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि आगे आने वाले सेशंस में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बच्चों, हम इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने की? तो इंट्रोडक्शन को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो हमारा चैप्टर होता है वह बहुत बड़ा होता है, उसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें इतने बड़े चैप्टर का अगर थोड़ा सा समराइज फॉर्म मिल जाए, उसकी छोटी सी समरी मिल जाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम इस चैप्टर में इन इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अगर हमको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या है, तो हमको चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी, वह चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है? तो चेंजेस का मतलब होता है कि बदलाव होना, किसी चीज़ में बदलना, चेंज होना। तो हमारे आसपास बहुत सारे चेंज होते हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे चेंज होते हैं, लेकिन कभी हम उन चेंजेस पर ध्यान नहीं देते। हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि दूध से दही बन गया, तो दूध से दही कैसे बन गया, ऐसा क्या हो गया कि दूध था और दूध से वो दही में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी चीज़ का कोई कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि हमारे पास नया गेट है और गेट पर करोजन आ गया, उसका ब्राउन कलर हो गया, उस पर भी हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये सब क्या हैं, ये सब रिएक्शंस हैं। इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी करनी है। तो हमारे आसपास में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, हुआ होगा कोई चेंज, हमको क्या मतलब चेंज हुआ है तो। लेकिन अब हमको ऐसे नहीं छोड़ना है, अब हमको देखना है, डीप में स्टडी करनी है कि कोई चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसा क्या हुआ उस सबस्टेंस के अंदर कि वो चीज़ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गई। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंजेज हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो बच्चे, फिजिकल चेंज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई सबस्टेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर कोई सबस्टेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है और अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे बाल लंबे हैं, मेरे बाल लंबे हैं और मैंने उनको कटवा दिया। मैंने क्या किया, मेरे बालों को कटवा दिया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कटवाने के बाद में मेरे बालों का कोई कलर चेंज हो गया या फिर मेरे बालों ने बढ़ना बंद कर दिया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो चेंज हुई नहीं। मेरे बाल कटवाए ही तो हैं, कटवाने के बाद वो फिर से बढ़ जाएंगे, फिर से वो वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। और आप मान लीजिए कि मेरे बाल ब्राउन हैं, मेरे बाल कैसे हैं, ब्राउन कलर के हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ब्राउन कलर से मैं हो गई बोर, अब मेरे बाल ब्लैक होने चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ब्लैक कलर करवा लूँगी। मैं क्या करूँगी, ब्लैक कलर करवा लूँगी बालों पर। अब ब्लैक कलर करवाने से ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे बाल परमानेंट ही ब्लैक हो गए, परमानेंट तो ब्लैक होंगे नहीं। जो ब्लैक करवाया है वह कलर कुछ दिन के लिए बालों पे रहेगा, उसके बाद वापस से मेरे जो बाल हैं वह वापस से ब्राउन हो जाएंगे, वापस से ब्राउन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल चेंज होता है वह रिवर्सिबल होता है, वह परमानेंट नहीं होता है। मैंने ब्लैक कराया लेकिन ब्लैक कुछ दिन के लिए रहेगा, उसके बाद में वापस से
मेरे बालों का कलर ब्राउन हो जाएगा। तो मेरे बालों की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब ये कैसा चेंज हुआ, यह भी एक फिजिकल चेंज हुआ। और हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि होता है हमारा वाटर, ठीक है, हमारा वाटर होता है। अब वाटर की हम आइस बना देते हैं, पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वह आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आइस का टेस्ट रहता है वही वाटर का लगभग टेस्ट बराबर होता है। ऐसा कुछ है नहीं कि टेस्ट चेंज हो गया पानी का, तो उसकी भी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। हाँ, अगर हम आइस में कुछ शुगर वगैरह ऐड कर देंगे तो वो मीठा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो वह टेस्ट वैसा ही रहेगा जैसा वाटर का टेस्ट होता है। तो अगर किसी भी सबस्टेंस में, अगर कोई सबस्टेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है और उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, वह रिवर्सिबल है, यानी कि वह जिस स्टेट में पहुंचा है अगर उस स्टेट से हम उसको वापस उसी स्टेट में ले आएं पहली वाली में, तो वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज कैसे होते हैं बच्चे? फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर कोई चेंज हो भी रहा है तो वह सबस्टेंस कुछ टाइम के बाद में अपनी स्टेट में वापस आ सकता है, ठीक है, और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेज। अब हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज क्या होगा? जैसा आपने देखा फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो केमिकल चेंज में क्या होगा? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज भी अगर चेंज हो जाएं और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेज। इसका मतलब उस सबस्टेंस में कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वह इरिवर्सिबल है और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि हमारा दूध, ठीक है, हम दूध से दही बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। दूध से बना दिया हमने कर्ड। अब क्या आप कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो? क्या आप कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो? क्या मिल्क का जो टेस्ट है, क्या सेम टेस्ट कर्ड का रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। मतलब यह प्रोसेस कैसा हुआ? इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस हो गया बच्चे इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसमें प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं। जब एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में जब चेंज हो रहा है तो जो कर्ड की प्रॉपर्टीज हैं वह मिल्क की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये होता है हमारा केमिकल चेंजेज। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक पेपर है। आपके पास में क्या है? एक पेपर। आपके पास में एक पेपर का टुकड़ा है। अब आपने क्या किया? उस पेपर के टुकड़े को बर्न कर दिया। आपने क्या किया? उस पेपर के टुकड़े को बर्न कर दिया। बर्न करने पर पेपर का टुकड़ा किस में चेंज हो गया? एस में चेंज हो गया, राख बन गया। अब क्या आप एस से वापस पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। जो पेपर की प्रॉपर्टीज है क्या वो एस की प्रॉपर्टीज रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो समझ में आया आपको केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंजेज ऐसे चेंजेज होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, और जिनमें जो सबस्टेंस है जब वो दूसरी स्टेट में चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है, वो होते हैं हमारे केमिकल चेंजेज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेज क्या होते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आपने ये तो बता दिया कि केमिकल रिएक्शन इस तरह से होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो बेटा उसके लिए आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको साइन मिलेगा, संकेत मिलेगा कि उस सबस्टेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। साइन कैसे मिलेगा? जैसे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर कोई प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या फिर कोई गैस बाहर निकलेगी, या फिर कोई स्टेट चेंज हो जाएगी। इस तरह का कुछ ना कुछ आपको साइन देखने को मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा? नंबर वन, मैंने आपको बताया था कि कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ
चेंज ऑफ कलर, कलर में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, कलर में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि जब हम घर पे नया गेट लेके आते हैं, मान लो आप आयरन का एक नया गेट लेके आए हो, तो एक दो साल बाद में जब आप उसको बाहर छोड़ देते हो तो क्या देखोगे, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, और जो ब्राउन कलर की जो लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं रस्ट, उसी को हम बोलते हैं रस्ट। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब क्या आप उस आयरन का जो गेट आप नया लेके आए थे, क्या आप उसको पहले जैसा बना सकते हो, क्या आप उसको जैसा आप लाए थे, क्या रस्ट लगने के बाद में वह पहले जैसा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बना सकते, नया जैसा आप उसको नहीं बना सकते हो। इसलिए ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्टेट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई और हमको मिल गया H2O, हमको क्या मिलता है H2O, तो H2O किस में है, लिक्विड स्टेट में, H2O किस में है, लिक्विड स्टेट में, और हाइड्रोजन है हमारा गैस स्टेट में, ऑक्सीजन भी हमारा गैसेस स्टेट में है, तो गैसेस स्टेट से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, यानी कि स्टेट चेंज हो गई। तो यह भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और है, ऑक्सीजन की कुछ और है, लेकिन जो H2O बना है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही है। नेक्स्ट हमने देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपने पढ़ा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वह किस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक सबसे बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम करवाते हैं पानी से, तो क्या बनता है, बनता है C6H12O6 प्लस बाहर क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस, बाहर निकलती है हमारी ऑक्सीजन गैस। और कैसे चेंज होता है, और कैसे पता चलेगा, और हमको पता चलेगा कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, और हमको कैसे पता चलेगा कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब हम दो सबस्टेंसेस की रिएक्शन करवाते हैं, जब दो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो ये है मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने दो सबस्टेंसेस को डाल दिया, ठीक है, एक है ग्रीन कलर का और दूसरा मैं ले लेती हूँ मान लीजिए पर्पल कलर का, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि सॉलिड होता है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका पता हम किस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया है, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमें केमिकल रिएक्शंस का किस तरह से पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, तो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा। अब मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको H2O मिलता है, हमको वाटर मिलता है। तो ये तो मैंने बोल के आपको बताया, ये तो मैंने ओरली बोल के आपको बताया है, लेकिन हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करें,
हम इस चीज को पेपर पर रिप्रेजेंट कैसे करें। तो जो मैंने बोल के आपको बताया है उसी को पेपर पर रिप्रेजेंट करना ही हमारा केमिकल इक्वेशंस कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको मिलता है H2O, हमको मिलता है H2O। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी केमिकल इक्वेशन, ये क्या बनी, केमिकल इक्वेशन बनी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर मेथड है जिसकी हेल्प से हम बैलेंस करते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस की जाती है। तो ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वह राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल के बराबर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल के बराबर होने चाहिए। अब बराबर कैसे करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हैं। तो सबसे पहले हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन लिख लिया। अब हाइड्रोजन LHS में कितना है, दो, और RHS में भी दो, तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, दो एटम हैं और राइट हैंड साइड में है हमारा एक एटम, राइट हैंड साइड में है हमारा एक एटम। अब जो ऑक्सीजन है वह अनबैलेंस्ड है पर हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है। अब हम देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो अनबैलेंस है ना उसको बैलेंस करना पड़ेगा, जो अनबैलेंस है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हम कैसे बैलेंस करेंगे बच्चे, तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दें तो दो ऑक्सीजन इधर हो गए और दो ही ऑक्सीजन इधर हो गए, है ना। अब ये दो से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ पे दो लिख दिया और इक्वेशन बैलेंस हो गई, ना, यहाँ पे दो नहीं लिखना है। दो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 2H2O, यहाँ आपको दो लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको दो लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2H2O। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिखा वैसे ही हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए, 4 हो गए। पहले तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस था लेकिन अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। कैसे हो गया, H2O प्लस H2O कितना हो जाएगा 2H2O, H2O प्लस H2O 2H2O, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हो गया, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, अब क्या हुआ हमारे पास में राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हम 2 को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, हम 2 को हटा के लिख देंगे 4, 2 को हटा के हमने 4 लिख दिया क्योंकि हमारे 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं उधर और इधर हमारे 2 हाइड्रोजन है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा 4, हमारे पास में आ जाएगा 4। तो ये 2 से जो हमने मल्टीप्लाई किया है इस 2 को हमको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इसको एक बार क्लीन कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर से लिख लेते हैं 2H2 प्लस 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो देखो 2H2 H2 प्लस H2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करते हैं, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, किसी चीज को जोड़ना, यानी कि दो रिएक्टेंट को जोड़ के एक अलग ही प्रोडक्ट बन रहा है,
उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो जो LHS में रहते हैं, अच्छा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है कि जो हमारे LHS में जो हमारे एटम्स की जिनकी हम रिएक्शन करवाते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है RHS में वो होता है हमारा प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और LHS में होते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, ठीक है। LHS में होते हैं रिएक्टेंट्स, और हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा के या कोई भी और सबस्टेंस ऐड करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता है हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अब आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको बताया कि कंबाइन करना, तो मान लीजिए एक रिएक्टेंट है आपके पास में ए, एक आपके पास में रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास में बी, दूसरा रिएक्टेंट है बी, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से आपको क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ए बी। कंबाइन करने से क्या मिला आपको, एक नया प्रोडक्ट मिला, दैट इज ए बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर CaO की रिएक्शन करवाएं H2O से, ठीक है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम अगर H2O से कराएं तो हमको क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, प्लस हीट यानी कि हीट बाहर निकलेगी। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक रिएक्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक रिएक्टेंट, और यह भी क्या है, एक दूसरा रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट। तो जब दोनों मिले, जब दोनों आपस में कंबाइन हुए तो क्या बन गया, हमको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि दोनों जुड़ के एक हमको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। तो ये होती है हमारी कंबाइन रिएक्शन, ये होती है कंबाइन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का टूटना, कंबाइन मतलब जुड़ना और डिकम्पोज मतलब टूटना। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास में एक रिएक्टेंट होगा, अब हमारे पास में जैसे ए बी क्या है, एक रिएक्टेंट है, और वह टूट के क्या बना देगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट, दो अलग अलग प्रोडक्ट। ये है हमारे पास रिएक्टेंट और ये हमारे पास में बनेंगे प्रोडक्ट्स। तो एक हमारे पास में रिएक्टेंट था, वह टूट के दो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट देते हैं, क्या देते हैं बच्चे, हीट। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल साइन से। ये किसका साइन होता है, अगर कहीं भी केमिस्ट्री में ये साइन आपको देखने को मिले ट्राइंगल जैसा, इसका मतलब यह हीट का साइन है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो हमारे पास में बनता है CaO, हमारे पास बनता है CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या था हमारे पास में, एक रिएक्टेंट था, हमारे पास में एक ही रिएक्टेंट था और उसने दो अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए, दो अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिले, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहा था। फिर हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूटना, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा था। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी जगह से हटा देना, किसी को अपनी जगह से हटा देना। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एक रिएक्टेंट क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जैसे मान लो आपके पास में एक रिएक्टेंट है ए बी, एक आपके पास में है ए बी प्लस एक रिएक्टेंट है सी, ए बी प्लस सी। अब जो सी है वह क्या करेगा, सी क्या करेगा, इस बी को अपनी जगह से हटा देगा, बी को अपनी जगह से हटा देगा और खुद इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ए सी प्लस
बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं, किससे करा रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, बनेगा क्या, FeSO4 + copper। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि जो SO4 है और जो Fe है, तो इस Fe ने क्या किया, इस Cu को अपनी जगह से हटा दिया, Fe ने Cu को अपनी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर जाके बैठ गया, तो बन गया हमारे पास में FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि इसमें दो रिएक्टेंट, इसमें दो रिएक्टेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होंगे, जैसे कि जैसे ए बी प्लस सी डी, ये हमारे पास में दो रिएक्टेंट हैं। अब इनकी रिएक्शन कैसे होगी, सी की जगह पे बी आ जाएगा और बी सी की जगह पे जाके बैठ जाएगा, सी और बी ने एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारे पास में बनेगा ए सी प्लस बी डी, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा ए सी प्लस बी डी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, यहाँ पे मैंने इक्वेशंस को बैलेंस नहीं किया है, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैम इक्वेशंस गलत लिख रही हैं, क्योंकि अगर हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बैलेंस करना जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब वो टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे से बैलेंस करके ही सारी इक्वेशंस को लिखेंगे। तो Na2SO4 की रिएक्शन जब BaCl2 से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो दो हमारे पास में रिएक्टेंट थे, दोनों से हमने दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, सॉरी ऑक्सीजन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारे पार्ट में 2CuO कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारे पास में बनेगा 2CuO, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, तो जो ऑक्सीजन है वह कॉपर के साथ में जाके ऐड हो गई, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकल रही होगी, बाहर निकल रोगी, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा प्रोडक्ट है उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ में ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी, ये होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने बनाया था कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम H2 से कराते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन से कराते हैं, इसको हमको हीट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास में बनेगा Cu plus H2O। तो जो हमारा रिएक्टेंट था CuO, उसमें से ऑक्सीजन निकल के बाहर हो गई और Cu हमारा अलग से बच गया,
CO हमारा अलग से बच गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट नहीं, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रेसिपिटेट, ये बनता है हमारा प्रेसिपिटेट और NaCl है हमारा सॉल्यूशन। NaCl इज सॉल्यूशन और BaSO4 होता है प्रेसिपिटेट, जो कि हमारा मिलता है हमें वाइट कलर में। किस कलर का होता है बच्चे, वाइट कलर का होता है। तो ये रिएक्शन होती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से बनती है, किस तरह से प्रेसिपिटेट बनता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियोज को पूरा देखिएगा, सारे की सारे वीडियोज को देखिएगा, जितने भी मैं अपलोड करूँगी सबको देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइज रिएक्शन। न्यूट्रलाइज रिएक्शन का क्या मतलब है, न्यूट्रलाइज नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब न्यूट्रल। इसका मतलब यह है कि ये जो रिएक्शन है वह ऑलरेडी बैलेंस्ड रहेगी, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की रिएक्शन करवाते हैं किससे, NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको मिलेगा NaCl, NaCl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जितने भी एटम हैं वह सब बैलेंस हैं। कैसे बैलेंस हैं, देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे बैलेंस है। हाइड्रोजन इसमें कितना है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, ये है हमारा LHS साइड, ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS साइड। तो हमने क्या पढ़ा कि RHS और LHS के जो एटम्स हैं वह बराबर होने चाहिए। तो हाइड्रोजन इसमें दो है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन उसमें एक क्लोरीन है, इसमें भी एक क्लोरीन है, सोडियम उसमें एक है, इसमें भी एक है, ऑक्सीजन एक, इसमें भी एक। तो आप देख सकते हो कि यह रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये होती है हमारी न्यूट्रलाइज रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब हम कोई नया गेट लेके आते हैं तो कुछ दिनों के बाद में अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दें, अगर हम उसको कहाँ रख दें बच्चे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, रस्ट आ जाता है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो ये रस्टिंग क्यों आती है, कैसे आती है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सड़ जाना, यानी कि एक अजीब सी स्मेल आना, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई ऑयल रखा है और उस ऑयल को 4-5 साल हो गए रखे, आपने उसको यूज़ में ही नहीं लिया, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे जब 4-5 साल बाद आप उस ऑयल को देखोगे तो आपको उसमें से एक अजीब सी स्मेल आएगी, उसमें से आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी। तो उसमें से बदबू क्यों आई, उस ऑयल में से क्यों बदबू आती है, क्योंकि बच्चे जब ऑयल बहुत दिन तक रखा रहता है तो जो ऑयल है वह क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वह ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें से स्मेल आती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारे चिप्स की बैग्स होते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो चिप्स बनाती हैं वह उन बैग्स में एक गैस भरती हैं, कौन सी गैस भरती हैं, नाइट्रोजन गैस,
कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? इसलिए भरते हैं ताकि वो चिप्स जो है वह उस पैकेट के अंदर लॉन्ग टाइम तक सही बनी रहे, अच्छी बनी रहे, खाने लायक बनी रहे। क्योंकि पहले चिप्स को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर उसको पॉलीथीन बैग, जो फ्लश बैग्स होते हैं, उनमें भरा जाएगा, उसके बाद में उसको मार्केट में लाया जाएगा, फिर उसको हम तक आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और हम तक आते आते अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो वह ख़राब हो जाएगी, खाने लायक बचेगी ही नहीं। इसलिए उन फ्लश बैग्स में हम भरते हैं नाइट्रोजन, जिससे कि वो चिप्स हमारी सही बनी रहती है, सेफ रहती है, वो सड़ती नहीं है, रेंसिड नहीं हो पाती है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, रेंसिडिटी। तो ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू, जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आगे के वीडियोज में हम इसके सारे टॉपिक्स को वन बाई वन करके कवर करेंगे, तो वीडियोज को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनके भी सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।